हाँ जी भाई, तो चलिए आपको एक कपल की बात बतानी है। ठीक, आज से 2 दिन पहले एक कपल आया था कोर्ट मैरिज के लिए, बोला था। ठीक है, वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मेरे को भेजा, मैंने लॉयर को भेज दिया फाइल वाइल तैयार करके रखने के लिए, ताकि वो आए और 1 से 2 घंटा में उसका मैरिज हो जाए। ठीक है, बट हुआ क्या, उसके अंदर पता नहीं क्या चुल मच गया, क्या हो गया, ऐसे वैसे क्या उसका दिमाग को क्या कहूँ, वो सडनली वो मेरे पास ना आ करके किसी और लॉयर के पास गया। किसी और लॉयर से वो बात किया था, ठीक है, तो वो किसी और लॉयर के पास पहुंच गया मैरिज करने के लिए, और मैरिज करने के लिए गया, और मैं उसे मैसेज कर रहा था कि भाई आप आओ जल्दी से आओ, तो आए या नहीं आए, कहाँ आए, कहाँ पहुँचे, मतलब मैं अपडेट लेना चाह रहा था, आएगा या नहीं आएगा, जो भी रहता वो कन्फर्म बता देता अपना, क्योंकि मेरा लॉयर ऊपर से उंगली कर रहा था कि जो आज का डेट था जी, आज आपने आज के लिए आपने फाइल रेडी कराया था जी, तो बुकिंग कराया हुआ था, तो वो आया नहीं है, मतलब फाइल वाइल रेडी हो गया और वो आया नहीं है अभी तक, मतलब कब आ रहा है तो बताइए। तो भाई उसके कारण मैं भी मजबूरन मैसेज कर रहा था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जो जो बात करते होंगे कि मैं अपनी ओर से कोई भी मैसेज नहीं करता हूँ, आप आओ नहीं आओ, क्योंकि मैं उधर का ही मैसेज का वेट करता हूँ, आना होगा तो मैसेज करेगा ही करेगा, मैं तभी मैसेज करता हूँ जब बंदा यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तब मैं मैसेज करता हूँ भाई आपकी जॉब लगी वगैरह वगैरह यही सब के लिए, इससे मैं मैसेज करता ही नहीं हूँ आपका कितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, बिकॉज उधर से जब प्रॉब्लम आपको फील होएंगी तो आप ऑटोमेटिकली मुझे मैसेज कर दोगे, और मैसेज करोगे ही करोगे, है कि नहीं भाई, जो ऑब्वियस सी बात है। तब मेरा लवर मुझे मतलब कॉल पे कॉल किया जा रहा था कि आज का डेट दिया हुआ था, फाइल रेडी कर दिए थे, आए नहीं अभी अभी तक आप राहुल जी। तब मैंने बोला सर पता नहीं क्यों नहीं वो रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे कुछ, तो मैंने लॉयर को बोला सर छोड़िए आना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं छोड़िए, उसके फाइल को आप हटाइए। तो वो ऐसा ही किया, ठीक है। उसके बाद वो लड़का मेरे को एक दिन के बाद वो मैसेज करता है कि राहुल भैया मैंने ना मैरिज कर लिया, देख लीजिए ये मतलब मैंने मैरिज वैरिज कर लिया, अब आप ऐसा करो ना मुझे रूम दिला दो, ठीक है। और बात ये है ना राहुल भैया कि मेरा जो सर्टिफिकेट है ये शो नहीं कर रहा है गूगल पे, ठीक है। उस टाइम बोला था लॉयर ने कि जाइए ना अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, एकदम शो करेगा सर्टिफिकेट गूगल पे, और मैं चेक कर रहा हूँ भैया, क्योंकि उस टाइम तो मुझे भी नहीं आता था कैसे चेक किया जाता है, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे तब जाना कौन सा वेबसाइट पे होता है चेक। अब भैया मैं अपने सर्टिफिकेट को चेक कर रहा हूँ, मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं शो कर रहा, मतलब पता ही नहीं लग रहा ये मेरा सर्टिफिकेट फेक है जेनुअन है क्या है, भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बोले ठीक है ऐसा करो तुम अपनी सर्टिफिकेट भेजो। बुरा मुझे भी लग रहा था भाई, उसके कारण मेरे को लॉयर के सामने अपमानित होना पड़ा भाई, समझ रहे हो कि। तब मैंने बोला ठीक है भेजो सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट जो था बिल्कुल फेक था, नोटरी पेपर उस पर साफ साफ लिखा हुआ ही था, तो भाई वो कहाँ से वो शो करेगा, सीधी सी बात है मेरे भाई, नोटरी वाली कहाँ से शो करेगी, जब जो ओरिजिनल होती है ना सर्टिफिकेट उस पर लिखा हुआ रहता है ऊपर में 11 या 12 डिजिट का एप्लीकेशन या कुछ लिखा हुआ रहता है, उसी नंबर को होता है डालना, फिर आपका A to Z वहाँ दिखा देता है गूगल पे आपके सर्टिफिकेट को बढ़िया से कि आपने किस डेट को किस तारीख को कहाँ से मैरिज किया था, ठीक है। तो उसका जो है सर्टिफिकेट निकला फेक निकला भाई, नोटरी पेपर पर था, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है उस लॉयर को तुम फ़ोन करो, तो बोला भैया मैं फ़ोन कर रहा हूँ फ़ोन लग ही नहीं रहा, उनका नंबर ही बंद बता रहा है। फिर मैंने बोला लाओ मैं करता हूँ, तो मैंने भी किया एक बार, तो मैंने बोला हाँ जी ऐसा ऐसा बात है, तो उसने बोला कि करता हूँ आपको 5 मिनट में खोलो, और मेरा वो फ़ोन काट दिया, क्योंकि वो जब वो लगाया था उस टाइम उसको बंद बताया था, बाद में मैं किया, तो मैं किया तो मेरा कॉल एक बार लगा, तो कॉल लगा तो उठाया, तो वही बोला करता हूँ आपको थोड़ी देर में फ़ोन, तो बात करते थोड़ा मैं बिजी हूँ। उसके बाद वो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, कुछ देर के बाद उसका भी नंबर ब्लॉक हो गया, उसका भी मतलब फ़ोन बिजी जाने लगा, यानी नंबर ब्लैक लिस्ट में चला गया, मेरा भी चला गया उसका भी चला गया, और वो मैरिज बिल्कुल फेक निकला। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, उबर चलाकी बना लड़का, चलाकी का नतीजा कितना खतरनाक गेम बजाए सोचिए। वो 2 दिन से टेंशन में राहुल भाई क्या करूँ भाई क्या करूँ, ऐसे हो गया वैसे हो गया, इतना इतना वो पैसा ले लिया था हमसे, हम सोचे राहुल भाई कि वो बोला हम आपको पिकअप करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि आप बोले थे ना राहुल भाई कि 11 बजे के बाद ही मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि भाई मैं जो सोया हुआ रहता हूँ 10-11 बजे के बाद ही मैं रिप्लाई करता हूँ सबको, मैं बताऊँ वीडियोज में, तो इसीलिए भैया वो खुद ही आ गया मुझे पिकअप करने के लिए, और मुझे साथ लेकर के गया वो भैया, तो मुझे लगा जेन्युइन है, मुझे क्या पता था, और मेरे से चार्जेस जो है भैया 26,000 रुपये लिए भैया। बोले ओ भाई मेरे 26,000 का चार्ज, समझ रहे हो ना, 26,000 में टोटल कोर्ट मैरिज विटनेस सब कुछ इंक्लूड करके 26,000 रुपये, समझ रहे हो ना, उससे 10,000 डायरेक्ट लेस कर दो तब हम आ जाएंगे, हम 15 में कराते हैं, सोचिए कितना कितना उसका ठगा, बड़ा ही बुरा लगा, बट कुछ नहीं हो सका मेरे भाई, नंबर मेरा भी ब्लॉक है, और भाई क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है गलती की है आपने तो आप भुगतो, सीधी सी बात है मेरे भाई, हम एक दो बार कॉल करेंगे, अब आपका ठेका थोड़ी ले रखे हैं कि आपके लिए हम वहाँ जा करके झगड़ा करें ये करें वो करें, और कहाँ है उसका चैम्बर ये भी तो हमें नहीं पता है,
क्या समझे भाई। तो ऐसा है जी, तो यही आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहे थे कि प्लीज़ मेरे भाई लोगों ओवर स्मार्ट मत बनिए, ठीक है। ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बहुत प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से देखो आप लोग कैसा कैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सोचो तो यार भाई बेचारा वो कितना मेहनत से वो पैसा वैसा कमा करके लाया होगा, कहीं से भी लाया होगा, कमा के लाया, कैसे लाया, जैसे भी लाया, अब वो लॉयर जो है उसको ब्लॉक कर चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो यही होता है ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा। हमारे पास जब आपने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, आप अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो जानिए, अगर जो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, हम फाइल रेडी करा दिए थे, भले ही ये घंटा मैं लेट कर रहा था, क्योंकि मैं जब उठता हूँ तभी मैं रिस्पॉन्स करूँगा। रात रात तक आप ही लोगों से ना बातें करता रहता हूँ, 2-3 बजे तक बातें करूँगा, तो भाई कहाँ से सवेरे मेरी नींद खुलेंगे, सीधी सी बात है भाई। बट आपको मच गया चूल, और चूल मचने के कारण गया आपका पैसा। बोलिए भाई ये ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस बनने की रीज़न है ना, इसलिए कहते हैं मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है राहुल भाई के टक्कर में। हम कितनी बार कहते हैं भाई आपको कोर्ट मैरिज करना है, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए ना भाई, हम आपको सस्ते में कराएंगे। 15,000 रुपये बहुत बड़ा पैसा होता है क्या? और लॉयर से बात कीजिएगा, आपको पता लगेगा कितना कितना चार्ज होता है। उसके बाद रूम भी हम ही दिला देते हैं, रूम वगैरह चाहिए होता है भाई, कोई भागा हुआ कपल को कोई रूम दिला करके तो दिखाए? सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करता है, सबसे पहले सब कौन रूम दिला देगा भाई? पूरा कहानी जानने के बाद भी आपको हम हेल्प करते हैं, जॉब तक दिलाते हैं आपको कि भाई आपको बजट की इशू होगी, अब भटको नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, सोचिए ऐसे ऐसे क्या बोलूँ प्रॉब्लम्स में हम लोग मदद करते हैं। हम आप लोगों के लिए चैनल तक बना दिए जॉब का, यहाँ भी उसका नाम बता देता हूँ, राहुल जेकर जॉब्स नाम है, ताकि जॉब की जानकारियाँ वहाँ से भी मिल जाए। अगर जो बहुत लोग होता है जो हमसे नहीं जैसे कॉन्टेक्ट करते, जो बहुत लोग होते हैं खुद से भी कर लेते हैं सब कुछ, तो इजीली उनको जॉब भी मिल जाएगा। रूम ढूंढना सिखा दिए, जॉब ढूंढना सिखा दिए, सब कुछ बता दिए, फिर भी आप क्यों फालतू के चक्कर में पड़ जाते हो मेरे भाई? ये सोच करके मुझे बहुत बुरा लगता, आप लोग के साथ ऐसा ऐसा हो जाता है मेरे भाई। कितनी बार बताऊँ यार, कितनी बार मैं ये सब बात समझाया कि प्लीज़ मेरे भाई प्लीज़ गलत चक्करों में मत पड़िए, बहुत तरह से फ्रॉड हो रहे हैं इधर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब जेन्युइन ही काम कर रहे हैं, लोग फेक भी कर रहे हैं। बोलो सर्टिफिकेट आपका शो नहीं कर रहा, सामने लिखा हुआ नोटरी है, 4-5 पेज का होता है जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम भी कराते हैं 1 पेज का कोर्ट मैरिज का, 1 पेज का आर्य समाज कराता है जी, ऐसा रहता है इजीली, ठीक है। बहुत सारी उसमें ऐसा क्या बोलूँ, हमें भी बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं, वो ओवर बना। हम भी बोले ब्रदर अब इसमें हम क्या कर सकते, बोला भैया प्लीज़ भैया कुछ करिए, बोले अब हम क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, मैं आपके लिए फ़ोन लगाया नहीं उठाया, हम क्या कर सकते हैं इसमें, सीधी सी बात है ब्रदर, अब उसका भी कॉल नहीं उठा रहा है, और कहाँ चैम्बर ये भी नहीं बताया कि डायरेक्टली हम लोग चले जाएँ कि नहीं भाई, तो इसके साथ हो गया फ्रॉड। इन सारे बातों से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मतलब फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़िए। हाँ कुछ कुछ है यूट्यूब पे चैनल जो बढ़िया जेन्युइन है, मैरिज वेरेज करा रहे हैं, बिल्कुल उनसे हम एग्री करते हैं, बट वो लोग भी कहीं ना कहीं चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। हमारे से उनसे उनको छोड़ छोड़ के हमारे पास आता है कपल कि भैया वो इतना चार्ज ले रहा है, उतना चार्ज ले रहा है, समझ रहे हो ना, तो क्यों उसके चक्कर में पड़ना, जब सस्ते में अपन भी करा रहा है। बाकी आपकी मर्जी, हमारा काम था ये बताना, सस्ता से सस्ता हम लोग जो है मैरिज कराते हैं, बाकी आपको जहाँ दिल करे वहाँ कीजिए, बट हाँ फ्रॉडबाजी के चक्कर में मत पड़िए। जब तक आपका सर्टिफिकेट गूगल पे सोना करे, एक भी अठन्नी नहीं दीजिए कि सर मेरा सर्टिफिकेट शो करेगा तभी हम देगा ना पैसा, सीधी इस बात। और हाँ एक आदमी जब बात कर लेते हो तो दूसरा को धोखा मत दो भाई, आपकी वजह से हमें भी वहाँ सुनने को मिल गया, भले ही वो उतना कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम उसके पास पर डे मतलब एक ना एक कपल का हम कोर्ट मैरिज करा ही रहे हैं। अभी इस महीना की बात मैं कर रहा हूँ, अप्रैल में, तो मैं तो आया था 1 तारीख को और आज लगभग 16-17 तारीख हो गया है, ठीक है। और अभी तक मैं लगभग 12-14 का मैरिज करा चुका हूँ, ऐसा है जी। तो वो उतना नहीं बोला बट फिर भी सही नहीं है, ठीक है। किसी को बात कर ली तो धोखा मत दीजिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। उम्मीद करते जो समझाना था समझा दिए कि यहाँ भी फ्रॉड चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेन्युइन हो रहा है, यूट्यूब पर भी चैनल है तो सब कोई जेन्युइन ही करा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा कमेंट करिए, और अच्छा लगा शेयर करिए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए मेरे भाई, ठीक है। सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। और हाँ, आपको कोर्ट मैरिज वगैरह करना हो, चाहे कोर्ट मैरिज करना हो, रूम चाहिए हो, जॉब चाहिए हो, या लिव इन करना हो, या फिर आपको हमसे बात करना हो, इंस्टाग्राम पे आइए, माई इंस्टाग्राम ID इज़ rahuljekar00, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिलेगी, और स्क्रीनशॉट ये रहा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैसे मेरी ID, उसके थ्रू आइए और बात कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक मिल जाएंगे दोस्तों, बाय, लव यू।